जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझो वक्त तुम्हारा है। कुछ लोग जीवन में इस कदर असंतुष्ट रहते हैं कि जलेबी भी खाते हैं तो कहते हैं, अरे यार कितनी मीठी है। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल होशियारी कहते हैं। खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, पैसे की पावर काले इंसान को भी गोरा बना देती है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, माँ बाप का आशीर्वाद भी उनमें से एक है। जब इंसान खुद कमाने लगता है तब कद्दू में भी पनीर का स्वाद आने लगता है। पढ़ाई कर लो भाई, खुद की फोटो पर गाने लगाकर स्टोरी डालने से घर नहीं चलता। बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। कुछ लोग गलती ऐसे ढूंढते हैं जैसे इसके लिए कोई इनाम मिलने वाला हो। शादियों का समय चल रहा है, निमंत्रण में भोजन की निंदा ना करें। किसी बाप ने वर्षों अचार रोटी खाई है आपको शाही पनीर खिलाने के लिए। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। हौसला बरकरार रखो, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। लोग हालचाल तक पूछना छोड़ देते हैं जब पता चल जाता है कि आप पैसे की वजह से लाचार और असहाय हो गए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते, इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। वीडियो और रील के जमाने में लोगों को अच्छा बनने से ज्यादा खुद को अच्छा दिखाने का शौक हो गया है। मेंढक को चाहे आप सिंहासन पर बिठा दो, वो उछलेगा कीचड़ में ही। कुछ लोग भी वैसे ही हैं। मैं क्यों करूं घृणा और रक्तपात का समर्थन, मुझे प्यार व ममता से भरी एक मां ने पाला है। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, सोच अभी भी दो कौड़ी की है। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिस बच्चे को उसके बाप ने थप्पड़ नहीं मारा, उसे पूरी दुनिया थप्पड़ मारती है। न्याय व नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। एक शरीफ और प्रसिद्ध व्यक्ति पर 10 बेबुनियाद आरोप लगाइए, जनता 6 आरोपों को सही मान लेगी। सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर कर लेता है। बेटी को दहेज में दिया गया पैसा बेटी के काम कभी नहीं आता, लेकिन बेटी को पैरों पर खड़ा करने पर किया गया खर्च बेटी को एक मजबूत भविष्य देता है। तुम यकीन नहीं करोगे मगर सत्य यही है, खबर छापने से ज्यादा खबर ना छापने के लिए पैसे लिए जाते हैं। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए जनाब, आजकल इंसान सीधा सुनता नहीं है। पैसा मैटर करता है यार, जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन जिंदा इंसान जरूर खरीद सकते हैं। पता है, मां बाप का होना ही सबसे बड़ी ताकत है।